कहानी की शुरुआत में हम सन 1899 का समय देखते हैं, जहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एलेक्स को एक मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व करते हुए देखते हैं। एलेक्स एक जाने माने इन्वेंटर और फिजिसिस्ट होते हैं, जो किसी भी तरह एक टाइम मशीन बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एलेक्स का दोस्त डेविड इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कि एलेक्स ही अपना समय बर्बाद कर रहा है और उसे एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। एलेक्स डेविड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने इन्वेंशन को कंटिन्यू रखता है। एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड एमा से बहुत प्यार करता है और एक दिन जब वो एमा से मिलने के लिए जा रहा होता है, तो रास्ते में उसे एक कार दिखाई देती है जो अपने अर्ली स्टेज में होती है, क्योंकि इस समय तक सुपर फास्ट कार का आविष्कार नहीं हुआ होता। एलेक्स कार को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और जब कार का ओनर बिना ब्रेक लगाए ही कार को छोड़कर वहां से चला जाता है, तो कार अपने आप ही आगे बढ़ने लगती है। लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा होता और किसी की जान जाती, एलेक्स कार का ब्रेक लगा देता है, जिससे कार रुक जाती है और एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। इसके बाद एलेक्स एमा से मिलता है, जिससे बातें करके वो बहुत खुश होता है कि तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है, जो इनका कीमती सामान लूटने की कोशिश करने लगता है, जिसके दौरान गोली चलने की वजह से एमा की वहीं पर डेथ हो जाती है। एमा की डेथ से एलेक्स पूरी तरह से टूट जाता है और अब वो किसी भी तरह एमा को वापस पाना चाहता है, जिसके लिए अपने टाइम मशीन बनाने के प्रोजेक्ट को पहले से भी कई ज्यादा तेजी से करने लगता है। और 4 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार एलेक्स टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। एलेक्स टाइम मशीन के बारे में किसी को नहीं बताता, यहाँ तक कि अपने बेस्ट फ्रेंड डेविड को भी नहीं। इसके बाद एलेक्स टाइम मशीन के इस्तेमाल से उस टाइम पीरियड में वापस आ जाता है जब चोर ने एमा को गोली मारी थी। एमा को अपने सामने जिंदा देखकर एलेक्स बहुत खुश होता है। अब क्योंकि एलेक्स को पहले से ही पता होता है कि कुछ समय बाद यह एक चोर आएगा, जिसके साथ हाथापाई के दौरान एमा को गोली लगने से उसकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए एमा को बचाने के लिए उसे लेकर वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन जब वो एमा के लिए फ्लावर लेने के लिए जाता है, तो उस गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से एमा की डेथ हो जाती है, जिसे पिछली बार एलेक्स ने ब्रेक लगाकर हादसा होने से रोक दिया था। लेकिन इस बार क्योंकि एलेक्स चोर से एमा की जान बचाने के लिए उसके साथ वहाँ से थोड़ा आगे आ गया था, जिसकी वजह से वो कार में ब्रेक नहीं लगा पाया और एमा की मौत हो गई। एक बार फिर से एमा को खोकर एलेक्स बहुत दुखी होता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो पास्ट में हुई घटनाओं को बदल नहीं सकता, इसीलिए वो भविष्य में टाइम ट्रेवल करने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसको लगता है कि भविष्य में इंसानों ने जरूर पास्ट में हुई घटनाओं को बदलने की कोई मशीन बना ली होगी। एलेक्स टाइम ट्रेवल करके सन 2030 में आ जाता है। 2030 में आकर एलेक्स को पता चलता है कि समय साइंटिस्ट और गवर्नमेंट इंसानों को चांद पर बसाने के मिशन पर काम कर रही है, क्योंकि पृथ्वी पर इंसानों की जनसंख्या बढ़ने की वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। अब एलेक्स जब लाइब्रेरी में जाने के लिए आता है कि समय तक साइंटिस्ट ने पास्ट को सही करने का डिवाइस बनाया है या नहीं, तो लाइब्रेरी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसे पता चलता है कि अब तक तो टाइम मशीन की भी खोज नहीं हुई है। एलेक्स सुनकर बहुत दुखी होता है, लेकिन वो किसी भी तरह एमा को पाना चाहता है, इसीलिए वो टाइम ट्रेवल करके भविष्य में और आगे जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि भविष्य में जरूर साइंटिस्ट ने पास्ट में हुई घटनाओं को ठीक करने का डिवाइस बना लिया होगा। अब एलेक्स टाइम ट्रेवल करके सन 2037 में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि इंसानों ने चांद पर कॉलोनी बसाने के दौरान चांद पर माइनिंग करके पूरे चांद को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और चांद का मलबा लगातार पृथ्वी पर गिर रहा होता है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है और लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। अब एलेक्स को 2 पुलिस ऑफिसर पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एलेक्स मुसीबत में है और वो एलेक्स को रेस्क्यू करना चाहते हैं। लेकिन एलेक्स किसी तरह पुलिस ऑफिसर से बचकर अपने टाइम मशीन में आ जाता है, और इससे पहले कि चांद का मलबा उसके ऊपर गिरता, एलेक्स जल्दी से अपनी टाइम मशीन को रेंडम ईयर में फिक्स करके स्टार्ट कर देता है। तेज झटकों की वजह से एलेक्स बेहोश हो जाता है और टाइम मशीन के साथ लगातार सफर कर रहा होता है। एलेक्स की टाइम मशीन टाइम ट्रेवल करके लाखों साल भविष्य में आगे आ जाती है, जिसके दौरान पृथ्वी पर जीवन खत्म होने और एक बार फिर से नई लाइफ आने की घटनाएं भी होती है। एलेक्स जब होश में आता है, तो जल्दी से टाइम मशीन को ऑफ कर देता है, लेकिन अब तक वो टाइम ट्रेवल करके लगभग 800,000 साल आगे भविष्य में आ गया होता है। घायल होने की वजह से एलेक्स वहीं पर बेहोश हो जाता है, और जब होश में आता है तो खुद को एक कबीले में पाता है, जहाँ पर
और कबीले के लोग एलेक्स के चारों तरफ हैरानी से खड़े होते हैं। एलेक्स उनसे बातें करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि एलेक्स की भाषा नहीं समझते हैं। लेकिन यहाँ पर मायरा नाम की एक लेडी एलेक्स की भाषा समझ आती है क्योंकि वो प्राचीन इतिहास की भाषाओं को जानती है। दरअसल इस समय एलेक्स टाइम ट्रेवल करके लाखों साल आगे भविष्य में आ गया होता है जिसकी वजह से एलेक्स के रहने का टाइम पीरियड यानी कि सन 1900 का साल इस समय के लिए प्राचीन इतिहास होता है। मायरा एलेक्स को अपने कबीले के लोगों से बचा लेती है क्योंकि उसके कबीले के लोग एलेक्स को खुद से अलग देखकर मारना चाह रहे होते हैं। अब एलेक्स जब मायरा को अपने बारे में बताता है कि वो भविष्य से आया है तो मायरा इस बात को अपने कबीले के लोगों को नहीं बताती क्योंकि कबीले के लोगों को मायरा की बातें समझ में नहीं आएगी और एलेक्स को कोई एलियन समझकर मार डालेंगे। यहाँ पर एलेक्स देखता है कि इस कबीले के लोग बड़ी बड़ी पहाड़ी चट्टानों की दीवारों पर घर बनाकर रहते हैं क्योंकि पास्ट में हुई घटनाओं की वजह से विकसित मानव सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई और अब बचे हुए इंसान प्राचीन जमाने की तरह एक साथ कबीले में रहते हैं। रात में एलेक्स ये भी देखता है कि पास्ट में इंसानों के द्वारा की गई गलतियों की वजह से अब चांद कई हिस्सों में टूट गया है और इंसानों के इस साल के पीछे एक बड़ा रीजन चांद का टूटना भी होता है। मायरा के छोटे भाई एलन को एलेक्स बहुत पसंद आता है और जल्दी ही वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एलन को एलेक्स का हैंड वॉच बहुत पसंद आता है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं देखी होती। एलेक्स एलन को अपना हैंड वॉच अपने पास रखने के लिए दे देता है। रात में जब एलेक्स सोता है तो उसे एक अजीब सा सपना आता है जिसमें एक आदमखोर जानवर को देखता है जो उसे बुला रहा था और साथ ही वो एक जायंट मॉन्स्टर की तरह दिखने वाली गुफा को भी देखता है। इस डरावने सपने को देखकर एलेक्स की नींद खुल जाती है और जब वो इसके बारे में मायरा को बताता है तो मायरा एलेक्स को बताती है कि यहाँ पर यह सपना आना नॉर्मल है क्योंकि रात में सपना कबीले के सभी लोगों को दिखाई देता है। मायरा की बात सुनकर एलेक्स एक बार फिर से सो जाता है। अगली सुबह एलेक्स मायरा के साथ उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर प्राचीन जमाने की बिल्डिंग्स का अवशेष पड़ा होता है। यहाँ पर मायरा जब एलेक्स से उसके टाइम ट्रेवल करने के पीछे के कारण के बारे में पूछती है तो एलेक्स मायरा को सब कुछ बता देता है कि किस प्रकार वो एक लड़की से प्यार करता था जिसकी मौत के बाद एलेक्स ने उसे पाने के लिए ये सब किया। इसके बाद एलेक्स मायरा के साथ अपनी टाइम मशीन की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो कबीले के लोगों को देखकर एक बात नोटिस करता है कि कबीले में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं होता, जिस पर मायरा एलेक्स को बताती है कि वो सभी लोग मारे गए जिसके लिए इन्होंने उनकी याद में बड़े बड़े पत्थर के स्टैचू बनाए होते हैं। अब एलेक्स मायरा के साथ अपनी टाइम मशीन के पास पहुंच जाता है लेकिन इससे पहले कि वो टाइम मशीन को स्टार्ट करके वहाँ से जाता इन्हें अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है जिन्हें सुनकर मायरा बुरी तरह से डर जाती है और अपने कबीले की तरफ भागना स्टार्ट कर देती है। मायरा को भागता देखकर एलेक्स भी उसके पीछे जाता है। रास्ते में एलेक्स को एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जिसे देखकर एलेक्स बुरी तरह से डर जाता है। ये अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि इंसान ही होते हैं। दरअसल जब चांद के दो टुकड़े होने के बाद उसका मलबा पृथ्वी पर गिर रहा था तो कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए पृथ्वी के अंदर अंडरग्राउंड होकर रहना शुरू कर दिया और कुछ इंसानों ने अर्थ के ऊपर ही रहकर खुद की सुरक्षा की। जो लोग नीचे अंडरग्राउंड होकर रह रहे थे वो टाइम के साथ इवोल्व होकर एक मॉन्स्टर ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गए जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर रहने वाले इंसानों को मारकर खाते हैं क्योंकि पृथ्वी के नीचे उनके खाने लायक कोई भी चीज मौजूद नहीं है। एलेक्स को तो कबीले के लोग उस मॉन्स्टर ह्यूमन से बचा लेते हैं लेकिन वो मायरा को नहीं बचा पाते और एक मॉन्स्टर मायरा को अपने साथ लेकर अंडरग्राउंड हो जाता है। ये सब देखकर एलेक्स बहुत दुखी होता है और अब वो किसी भी तरह मायरा को बचाना चाहता है क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं मायरा को पसंद करता है। एलेक्स जब इसके लिए कबीले के लोगों से मदद मांगता है तो एलेक्स की मदद करने से साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो लोग मॉन्स्टर ह्यूमन के तुलना में काफी छोटे और कमजोर होते हैं। एलेक्स हार नहीं मानता और वो मायरा के छोटे भाई से वादा करता है कि वो मायरा को जरूर वापस ले आएगा। एलेक्स की बातें सुनकर मायरा का भाई एलेक्स को एक गुफा में ले आता है जहाँ पर कबीले के लोगों का मानना होता है कि वहाँ पर एक गोश्त रहता है और मायरा के छोटे भाई को लगता है कि वो गोश्त ही एलेक्स को उसके सवालों का जवाब दे सकता है। गुफा के अंदर आकर एलेक्स को पता चलता है कि वहाँ पर कोई गोश्त नहीं बल्कि वही लाइब्रेरी का AI असिस्टेंट होता है जिससे एलेक्स पहले भी मिल चुका होता है जब उसने सन 2030 में टाइम ट्रेवल करके पास्ट बदलने की डिवाइस के बारे में जानने की कोशिश की थी। एलेक्स जब उस AI से इंसानों में हुई इस इवोल्यूशन के बारे में पूछता है कि आखिरकार कैसे कुछ इंसान धरती के अंदर रहने लगे
और मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी पहले की तरह ही नॉर्मल इंसान है। इस पर वो AI असिस्टेंट एलेक्स को सारी बातें बता देता है कि किस प्रकार कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड होकर रहने का डिसाइड किया, जिसकी वजह से समय के साथ इवॉल्व होकर वो लोग मॉन्स्टर ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो गए और उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ गई। वहीं दूसरी तरफ जो लोग पृथ्वी के ऊपर थे वो अभी भी नॉर्मल इंसान है। इसके बाद एलेक्स अकेले ही उस विशालकाय गुफा के पास पहुंच जाता है जो उसे अक्सर सपने में दिखाई देता है। गुफा के अंदर आने के बाद एलेक्स देखता है कि वहाँ पर ढेर सारे टनल्स मौजूद होते हैं जो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जगह पर खुलते हैं। इन टनल्स को देखकर एलेक्स समझ जाता है कि इन्हीं की मदद से मॉन्स्टर ह्यूमन पृथ्वी के ऊपर आते हैं और इंसानों का शिकार करके वापस आ जाते हैं। आगे बढ़ने पर एलेक्स उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर ह्यूमन शिकार करके लाए गए इंसानों को मारकर खाते हैं। यहाँ पर एलेक्स गलती से एक तालाब में गिर जाता है जिसमें उन लोगों की हड्डियाँ होती है जिन्हें मॉन्स्टर ह्यूमन ने मारकर खाया होता है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर ह्यूमन आ जाता है जो एलेक्स के ऊपर हमला करके उसे बंदी बनाकर पिंजरे में कैद कर देता है। यहाँ पर एलेक्स को मायरा भी मिलती है जो इस समय खुद के कंट्रोल में नहीं होती है और ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने उसे हिप्नोटाइज किया हो। तभी एलेक्स वहाँ पर एक अजीब से आदमी को देखता है जो कोई और नहीं बल्कि मॉन्स्टर ह्यूमन का लीडर होता है, जिसके पास लोगों के सपने को कंट्रोल करने और उन्हें हिप्नोटाइज करने की पावर होती है। उसी ने मायरा को हिप्नोटाइज किया होता है। मॉन्स्टर ह्यूमन का लीडर एलेक्स को बताता है कि उसके कबीले के सभी मेंबर्स अपने अपने टैलेंट के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। जो ताकतवर है वो ऊपर जाकर इंसानों का शिकार करते हैं और बाकी लोग नीचे रहते हैं। एलेक्स को मॉन्स्टर ह्यूमन के लीडर की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो मॉन्स्टर ह्यूमन के लीडर से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक इंसान होकर इंसान का शिकार करते हो। जिस बात पर गुस्सा होकर मॉन्स्टर ह्यूमन का लीडर एलेक्स को पकड़ लेता है और समझाता है कि उन्हें खुद को जिंदा रखने के लिए यह सब करना पड़ता है। अब मॉन्स्टर ह्यूमन का लीडर जब एलेक्स के माइंड को रीड करता है तो उसे सारी बातें पता चल जाती है कि किस प्रकार एक दुर्घटना में उसकी गर्लफ्रेंड को खोने के बाद एलेक्स टाइम ट्रेवल करके उसे वापस से पाना चाहता है। एलेक्स के बारे में सब बातें पता चलने के बाद लीडर एलेक्स को समझाता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को बचा नहीं पाएगा। वो एलेक्स को बताता है कि अगर उस दिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड एमा की मौत नहीं हुई होती तो तुम कभी भी टाइम मशीन बनाकर टाइम ट्रेवल नहीं करते। यानी कि एमा की मौत और तुम्हारा टाइम ट्रेवल करना, ये दोनों घटना ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब एलेक्स को भी समझ आ जाता है कि वो कभी भी समय में बदलाव करके एमा को वापस नहीं पा सकता। और जब मॉन्स्टर लीडर एलेक्स को अपनी टाइम मशीन में बैठकर वापस जाने के लिए कहता है तो एलेक्स टाइम मशीन स्टार्ट करके लीडर को भी खींच लेता है, जिसकी वजह से लीडर और एलेक्स दोनों साथ में टाइम ट्रेवल करने लगते हैं। अब इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाता है जिसके दौरान एलेक्स लीडर को टाइम मशीन के बाहर लटका देता है। और जब टाइम मशीन ब्लैक होल के पास से होकर गुजरती है तो समय के ज्यादा तेजी से चलने की वजह से लीडर की वहीं पर डेथ हो जाती है क्योंकि वो देखते ही देखते काफी बूढ़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो टाइम मशीन के अंदर होता है। लीडर के मरने के बाद एलेक्स टाइम ट्रेवल करके समय में और भी आगे आता है जिसमें वो देखता है कि अब पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं बची और अब सिर्फ पृथ्वी पर मॉन्स्टर ह्यूमन ही बचे हुए हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स समझ जाता है कि जरूर पास्ट में मॉन्स्टर ह्यूमंस ने पृथ्वी के ऊपर रहने वाले इंसानों को मारकर खा लिया, जिसकी वजह से पृथ्वी का एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल गया और पृथ्वी का हाल हो गया। इसके बाद एलेक्स टाइम ट्रेवल करके वापस से मॉन्स्टर ह्यूमन के टनल में आ जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले मायरा को आजाद करता है और टाइम मशीन को स्टार्ट करके उसके मैकेनिज्म को जाम करके मायरा के साथ वहाँ से भागने लगता है। दरअसल एलेक्स टाइम मशीन को ब्लास्ट करके सारे मॉन्स्टर ह्यूमन को खत्म करना चाहता है ताकि इंसान बचे रहे और पृथ्वी का वातावरण भी सुरक्षित रहे। एलेक्स और मायरा को देखकर जायंट ह्यूमन उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन एलेक्स इसी तरह बहुत मुश्किल से मायरा को लेकर वहाँ से निकल जाता है और टाइम मशीन के ब्लास्ट होने से निकलने वाली हाई टेम्परेचर वेव की चपेट में आने की वजह से सारे जायंट ह्यूमन मारे जाते हैं। इस प्रकार एलेक्स अपनी टाइम मशीन की कुर्बानी देकर पृथ्वी को नष्ट होने और इंसानों को खत्म होने से बचा लेता है। दरअसल अब क्योंकि सारे जायंट ह्यूमन मारे जा चुके हैं इसीलिए धरती के ऊपर रहने वाले कबीले आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी के वातावरण में भी बदलाव आएंगे और पृथ्वी डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगी। अब क्योंकि एलेक्स और मायरा एक दूसरे को पसंद करते हैं इसीलिए एलेक्स अपनी बाकी की जिंदगी मायरा के साथ ही बिताने का डिसाइड करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक
करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।